दरअसल हर जीव के लिए प्यार सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बात देन की एक लड़का किसी लड़की को डेट कर रहे है। रिश्तेदार और माता पिता दोनों लड़की से कहते हैं, यदि आप उसके साथ संवाद करना बंद नहीं करते हैं, तो हम आपको आपकी विरासत से वंचित कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनके पारंपरिक परिवार की लड़की हूँ। मैं 20 साल का हूँ, मेरा प्रेमी 80 साल का है, लेकिन अगर प्यार है तो बाकी सब बातों का कोई मतलब नहीं है। कुछ लाभ, कुछ भौतिक विचार किसी ऐसे व्यक्ति के लिए महत्वहीन हो जाते हैं जिसे प्रेमपूर्ण भावना को प्रकट करने या विकसित करने का अवसर मिला है। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि यहां प्रेम की भावना वास्तविक रुचि से अधिक महत्वपूर्ण है। भक्तिविनोद ठाकुर यहां समझते हैं कि स्वार्थ से अधिक महत्वपूर्ण प्रीति है बेशक भौतिक स्तर पर यह विकृत प्रेम है, क्योंकि यह गैर शाश्वत वस्तुओं के बीच प्रेम है। इस प्रकार संपूर्ण मानव जीवन प्रेम के अधीन है, और यहाँ तक कि हमारे स्वार्थी हित भी प्रेम के अधीन है। भौतिक स्तर पर प्रेम और स्नेह है, और आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रेम और स्नेह है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रेम आनंददायक है, और भौतिक स्तर पर प्रेम आनंददायक है। जब जीव किसी प्रकार के प्रेम का अनुभव करते हैं, तो उसे भी सुख प्राप्त होता है। इस संसार में हम जो भी आसक्तियां विकसित करते हैं, वे सभी प्रेम के प्रति हमारे मूल झुकाव की अभिव्यक्तियां है। महान संत भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, किसी को भौतिक चीजों से प्यार है, ऐसे जीव भौतिक संसार में रहते हैं। किसी को मुक्ति को प्यार है, वह भौतिक दुनिया मुक्ति से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वैसे भी यह प्यार है। प्रेम शब्द संस्कृत में प्रीति में ही कुछ मिठास है। प्यार कितना मीठा लगता है, यह शब्द अपने आप में बहुत आकर्षक है। हालांकि भौतिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। यदि प्रेम की विकृत भौतिक अभिव्यक्ति भी हमें ऐसा आनंद देती है, तो आध्यात्मिक प्रेम क्या होना चाहिए? यही लोगों को सोचना चाहिए, यही मानव जीवन का अर्थ है।